जनपद बलरामपुर विद्युत विभाग पचपेड़वा उपखंड अधिकारी के आने के बाद विद्युत चोरों के अंदर मची अफरा तफरी। 2 माह के भीतर 10 विद्युत चोरों के खिलाफ की गई कार्यवाही, और उपखंड अधिकारी ने बताया कि इसी तरीके से विजिलेंस टीम के साथ रोस्टर बनाकर विद्युत चोरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त विद्युत उपभोक्ता उनसे निवेदन है कि समय से अपने बिजली बिल का भुगतान करें, जिससे एक बेहतर बिजली मिल सके। नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, डीवी भारती देवी पाटन मंडल हेड। हम आए हुए हैं जनपद बलरामपुर विकास खंड पचपेड़वा के अंतर्गत पावर हाउस पर हम इस समय उपस्थित हैं, क्योंकि विकास खंड के बगल ही कहा जा सकता है उपस्थित है। आइए, यहाँ के जो SDO साहब हैं उनसे यहाँ के बिजली चोरी पर कितना नियंत्रण किया है इन्होंने, और सक्रिय टीम के द्वारा, अपनी विजिलेंस टीम के द्वारा छापा मारकर और काफ़ी लोगों पर कार्रवाई की है। आइए जानकारी ली जाए कि क्या है इसमें, कितने लोग और किस गांव के हैं, शहर के हैं या गांव के हैं, ये थोड़ी बहुत जानकारियां ली जाए। सर, अब तो जी उपखंड अधिकारी पचपेड़वा, उपखंड अधिकारी पचपेड़वा, विजिलेंस टीम के साथ में आपने अब तक कितना कार्रवाई किया है? अब विजिलेंस टीम आज पहली बार यहाँ आई है, 4 चोरी पकड़ी गई है यहाँ पे। और जब से आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई, कितने महीने पोस्टिंग हुई सर? पोस्टिंग हुए हमारे 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने करीब करीब 8-10 FIR हमने करना है व्यक्तिगत। यानी 1.5-2 महीने के बीच में 8-10 FIR चोरी, आज ही की डेट में सर? आज जो है 4 केस हुए हैं जी, 3 चोरी के थे, 1 ओवरलोड का मामला जी। ये विजिलेंस टीम के पहली बार आगमन हुआ है आपके आने के बाद में? मेरे आने के बाद इधर पहली बार आगमन है जी। और ये पचपेड़वा ग्रामीण का मामला है, ये चंद्रपुर जी जी। तो इन चारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है सर? चारों के खिलाफ अब चोरी विद्युत चोरी का मुकदमा लिखाया जाएगा जी, और एक का जो है नियमानुसार राजस्व का निर्धारण किया जाएगा जी, है ना। विभाग जो है, विभाग को इससे चोरी से काफ़ी राजस्व की क्षति हो गई है जी। हमारे फील्डर्स इस पर हाई टास्क चल रहे हैं जी, इसलिए चेकिंग करके उनके लॉसेस को कम करने के लिए छापेमारी करके जो है विद्युत चोरी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। विजिलेंस टीम लगातार आपके साथ इस समय चलेगी या फिर इस समय जो है एक शेड्यूल बना करके उनको पूरे जिले को देखना होता है जी जी जी। देखिए जैसा शेड्यूल मिलता है उस शेड्यूल के हिसाब से हफ्ते में जो भी मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यानी विद्युत चोरी पर नियंत्रण पूर्णतया आपका प्रयास है? विद्युत चोरी पर प्रयास है कि लाइन का समय कम हो जाए जी, इससे क्षेत्र के वासियों को अच्छी बिजली मिलेगी जी, और लाइन लॉस कम होने से वही आपको प्राप्ति भी होगी जी। और समय से अपने बिजली भी जमा करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।